वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं आपको कंप्यूटर का चैप्टर टू रीड करवा रही हूँ। चैप्टर फर्स्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ आंसर करवाए थे, ठीक है, तो ये आपको हो चुका होगा। चैप्टर टू देखिए, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं। तो आपके कंप्यूटर जो है कई तरह के होते हैं, अलग अलग फील्ड में अलग तरह के कंप्यूटर यूज़ होते हैं। तो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर दे रखा है। कंप्यूटर का वर्गीकरण देखिए, कंप्यूटर आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। कंप्यूटर आपके तीन तरह के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ठीक है। डिजिटल के कई तरह के होते हैं, माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम और सुपर। तो एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड के बारे में पढ़ेंगे। पहला, एनालॉग कंप्यूटर जो है कंटिन्यू फिजिकल क्वांटिटी सच एज टेम्परेचर, वोल्टेज, करंट एज इनपुट कैन प्रोसेस दैम प्रोड्यूस डिजायर्ड आउटपुट, या नॉट सो एक्यूरेट। एनालॉग कंप्यूटर जो पहले जो कंप्यूटर होते थे इतने एक्यूरेट नहीं होते, इतने सही नहीं होते जितने आज के जो डिजिटल कंप्यूटर है उसके मुकाबले, ठीक है। बाई वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और मॉनिटर मशीन, कैपिटल, इलेक्ट्रॉन वर्किंग एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम्पल। तो जो आपके वेदर फोरकास्टिंग में जो मौसम विभाग वाले होते हैं, या हॉस्पिटल्स में होते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग वाले जो यूनिट्स होते हैं, वो लोग ये कंप्यूटर यूज़ करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर जो है जो हमारे स्कूल्स में यूज़ होते हैं और भी कई जगह जैसे स्कूल जैसे होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर डाटा पे काम करता है। ये डाटा को बाइनरी डिजिट में चेंज करके हमें जल्दी से जल्दी स्पीड में वो इन्फॉर्मेशन देता है। डिजिटल कंप्यूटर आपके जो है चार हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। जैसे हम आगे बढ़ेंगे कंप्यूटर उतना फास्ट छूट जाएगा। तो पहला आपका माइक्रो है। तो ये जो पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं, हर एक जो इंसान नॉर्मली यूज़ करता है डे टू डे के लिए, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, पाम टॉप या लैपटॉप, ठीक है। तो ये आपका आते कौन से, माइक्रो कंप्यूटर, जो बहुत स्मॉलर साइज़ के होते हैं और इसे हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। मिनी कंप्यूटर जो है ये माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, पावरफुल होते हैं, इनका स्टोरेज कैपेबिलिटी भी ज़्यादा होता है। ये कई सारे यूज़र एक साथ यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इनपुट आउटपुट हैंडलिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल है PDP-11 या मैगनम या फिर वैक्स, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर ये इससे फास्ट होता है, ठीक। इसमें भी ह्यूज वॉल्यूम इंफॉर्मेशन ज़्यादा इसमें स्टोर होता है। एक टाइम पे 100 यूज़र इसे काम यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही लार्ज होता है, एक्सपेंसिव होता है, हाई स्पीड है, लार्ज स्टोरेज है एज़ कम्पेयर टू बाकी के दो कंप्यूटर से, ठीक है। इसका एग्जांपल है CTC 6600, IBM 3090 600, IBM 4381 एक्सेट्रा। सुपर कंप्यूटर ये आपके मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है अमॉन्ग डिजिटल कंप्यूटर। इन डिजिटल कंप्यूटर में सबसे स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर आपका सुपर कंप्यूटर है। ये बहुत सारा इसमें प्रोसेसर एक साथ काम करता है, एक्सट्रीमली फास्ट पावरफुल होता है, ठीक। ये न्यूक्लियर साइंस रिसर्च, वेदर फॉरकास्टिंग में यूज़ होता है। इसके एग्जाम्पल है फुसुसु, VP400, CRAX। और इंडिया में दो तरह कंप्यूटर्स है, वो है परम और अनुराग। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है इसमें दोनों फीचर्स हैं आपके, एनालॉग के भी, डिजिटल कंप्यूटर के भी। कंटिन्यूस सिग्नल इनपुट की तरह देते हैं, डिजिटल देते हैं। ये भी आपका वेदर फॉरकास्टिंग के यूज़ होता है, ठीक है। तो चैप्टर रीडिंग हो गई है आपकी और इसके बाद बुक फिल कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ आंसर करेंगे। तो पहला है आपका, इसमें आएगा डिजिटल कंप्यूटर, इसमें आएगा लैपटॉप, पाम टॉप, इसमें हाइब्रिड, इसमें सुपर कंप्यूटर, इसमें आएगा मिनी, ठीक है, मिनी कंप्यूटर, और इसमें आएगा इंटेल, और ये मेन फ्रेम। ट्रू फॉल्स देखिए, पहला फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर ट्रू, ठीक। तो ये बुक फिल कर लेना, चैप्टर रीड कर लेना, ठीक, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर।